हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका AMR लाइव क्लास IT चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। हम अपने जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल सीरीज चल रहे हैं, आज उसका लेक्चर नंबर 38 है। तो आप अपनी क्लास से इसको देखते रहें, और अगर पिछली क्लासेज नहीं देखते तो पिछली क्लासेज जाके जरूर देखें फ्रेंड्स। आइए तो आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको दे रखा है कि एक बिल्डिंग में 220 वोल्ट पर पावर सप्लाई की जा रही है। बिल्डिंग का लोड 300 लैंप प्रत्येक 60 वाट और 100 पंखे प्रत्येक 40 वाट के हैं। ज्ञात करो कुल लोड किलोवाट में और लोड द्वारा लिए गए करंट भी हमें फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसमें अपने को 220 वोल्ट इनपुट की गई पावर सप्लाई है, मैं इनपुट की गई वोल्टेज का मान दे रखा है, और हमें पावर की सप्लाई की जा रही है। मैं जो लोड लगा रखा है उसको सप्लाई की जा रही है। 220 वोल्ट इनपुट की गई वोल्टेज है, और एक कोई बिल्डिंग है। बिल्डिंग में कितने पंखे लग रखे हैं? 100 पंखे लग रखे हैं, और हमें 300 लैंप लग रखे हैं। और 300 लैंप की जो वाटेज दे रखी है, एक लैंप की वाटेज कितनी दे रखी है अपने को? 60 वाट। और 100 पंखे लग रखे हैं, उसमें से प्रत्येक में 40 वाट, में एक पंखा 40 वाट का है। ओके फ्रेंड्स, हमें ज्ञात करना है हमें कुल लोड किस में ज्ञात करना है हमें? किलोवाट में। और लोड द्वारा ली गई करंट, अगर हमें किलोवाट में कुल पावर मिल जाए, टोटल पावर मिल जाए फ्रेंड्स, तो हम लोड द्वारा लिए गए करंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए समझिएगा फ्रेंड्स, जो आपको दे रखा है उसको यहाँ पे नोट डाउन करिए। हल हमें दे रखा है 220 वोल्ट इनपुट की गई सप्लाई। 220 वोल्ट क्या दे रखी है फ्रेंड्स? हमें इनपुट की गई वोल्टेज का मान हमें दे रखा है। हमें बिल्डिंग का जो 300 लैंप है, 300 लैंप एक में कुल इसका वाटेज निकालेंगे हम। तो कुल वाटेज, कुल पावर बराबर कितना हो जाएगा? एक लैंप की हमें पावर दे रखी है 60 वाट, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 मल्टीप्लाई 60 से। कितना आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? 3618। और कितने जीरो लग रखे हैं? 3 जीरो। तो 3 जीरो की जगह साथ में हम 3 जीरो लगा देते हैं। तो हम अगर किलोवाट में बदलेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं के बराबर कितना लिखते हैं फ्रेंड्स हम? 10 की घात 3। 10 की घात हम 3 लिखते हैं फ्रेंड्स। अच्छे समझिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और मैं जितनी भी क्लासेस करवाई है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो पिछली क्लासेस जाके जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो किलो को हम कैसे लिखते हैं? 10 की घात 3 लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 10 की घात 3। तो 18 18 यहाँ पे किलो आ जाएगा, तो यहाँ पे के लो वाट अपना मान कितना आएगा? 18 किलोवाट। में 18,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 किलोवाट ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 100 पंखे लग रखे हैं। हम यहाँ पे 100 पंखों का भी कुल पावर निकाल दें। 100 पंखे, 100 पंखे कितनी पावर के हैं वो देखेंगे बराबर में। कितना दे रखा है हमें? 100। यहाँ पे हम 100 ले रहे हैं मल्टीप्लाई। एक पंखा कितने वाट का है? 40 वाट का। अगर हम 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 पंखों की कुल वाटेज आ जाएगी। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से बराबर। देखिए फ्रेंड्स, 4 एकम 4, बाद में कितना जीरो लग रखा है? 1 2 3, हम 3 जीरो लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। हम इसको 4000 को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 किलोवाट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 3 जीरो है तो 10 की घात 3 होता है, और उसको हम किलो लिखते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 किलो वाट। अब आपको पता है फ्रेंड्स हमें क्या पूछा है? मैं टोटल पावर में कुल लोड किलोवाट में, ये अपना ये लोड हो गया 18 किलोवाट का, यहाँ पे लोड है, और 4 किलोवाट का ये अपना लोड है। तो हम क्या करेंगे? कुल लोड पूछा है हमें, तो यहाँ पे कुल लोड बराबर में 18 और 4 कितना होगा फ्रेंड्स? 22। तो अपना कुल लोड कितना जाएगा? 22 किलोवाट। 22 किलोवाट अपना आंसर हो गया। आपने देखा हमें दे रखा था 300 लैंप, एक लैंप की वाटेज दे रखी 60 वाट, 60 को मल्टीप्लाई किया 300 से, तो अपना कुल पावर आ गई 18 किलोवाट। ओके फ्रेंड्स, और हमें दे रखा था 100 पंखे, 100 पंखे की कुल पावर निकालनी थी हमें, तो 100 मल्टीप्लाई 40 किए तो 4 किलोवाट आ गया। ओके फ्रेंड्स, या आप इसको डायरेक्ट 18,000 भी लिख सकते हो और 4,000 भी लिख सकते हो।
हमें किलोवाट में पूछा था तो हमने किलोवाट में इसको डिनोट कर दिया है फ्रेंड्स, 18 किलोवाट और 4 किलोवाट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल पावर हमें पूछी थी, हमें टोटल पावर या कुल लोड, अपना कुल लोड कितना हो गया वो हम वाटेज में लेते हैं, तो यहाँ पे 18 4 कितना हुआ, 22 किलोवाट। अच्छे से समझना फ्रेंड्स, हमें कुल लोड मिल गया 22 किलोवाट का। इनपुट की गई वोल्टेज का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट। हमें पी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें लोड द्वारा ली गई करंट देखनी है, लोड द्वारा ली गई करंट। आइए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन समझिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि कुल लोड किलोवाट में याद कीजिए, तो किलोवाट में हमने 22 किलोवाट फाइंड आउट कर लिया है फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम लोड द्वारा ली गई करंट, लोड द्वारा ली गई करंट, ली गई करंट P बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको सामान्य फॉर्मूला मैंने करवा दिया है, P बराबर V इंटू I होता है। हमें करंट का मान फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, P को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, W या वाटेज में हम इसको डिनोट कर सकते हैं, तो हम ये W बराबर V इंटू I भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, हमें I फाइंड आउट करना है, I बराबर क्या होता है, W अपॉन V। ओके, हमें वाटेज में कुल लोड दे रखा है, कुल लोड कितना दे रखा है, 22 किलोवाट। ये हमने अच्छे से फाइंड आउट किया फ्रेंड्स, 22 किलोवाट को हम यहाँ पे ऊपर ले लेंगे, 22 किलोवाट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम किलो को यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा दिया फ्रेंड्स हमने। अब देखें वोल्टेज, वोल्टेज का मान हमें कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, तो हम वोल्टेज का मान 220 वोल्ट यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जीरो से जीरो कट रहा है, 22 से 22 एक बार कट गया फ्रेंड्स, तो अपना मान कितना आ गया, 100 एम्पियर। ये कुल लोड है 22 किलोवाट का, जो लोड लग रखा था फ्रेंड्स, और 220 वोल्ट इनपुट की गई थी, उसमें लोड द्वारा ली गई करंट, हमने पूरे सर्किट की करंट निकाली, तो कितनी करंट बह रही है उसमें, 100 एम्पियर की करंट बह रही है। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, ये टोटल लोड की करंट है, हमने टोटल कुल लोड ले लिया फ्रेंड्स, और इनपुट किए गए टर्मिनल वोल्टेज भी हमने ले ली थी फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे, क्वेश्चंस देखते देखते क्वेश्चन आसानी से हल हो गया फ्रेंड्स। हमें पूछा था कुल लोड किलोवाट में, हमने कुल लोड किलोवाट में निकाला, 22 किलोवाट हो गया, और लोड द्वारा ली गई करंट हमने फाइंड आउट की, लोड द्वारा ली गई करंट 100 एम्पियर आ गई। ओके फ्रेंड्स, और आप ऐसे क्वेश्चंस देखते रहें और अपने AMR लाइव क्लास ITI चैनल के साथ जुड़े रहे फ्रेंड्स। आपको ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं मैं पूरे आपको करवा रहा हूँ। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसको रब कर देता हूँ नेक्स्ट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नोट कर दिया है, आइए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझने की कोशिश करना। आपको इसमें दे रखा है 5 HP की मोटर के सिरों पर 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जब मोटर की एफिशिएंसी 80% है, तब मोटर द्वारा ली गई करंट हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स। अच्छे से समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपको 80% दक्षता पे मोटर का इनपुट और उसमें बहने वाली धारा का मान हमें पूछा है, मोटर द्वारा ली गई करंट का मान उसमें पूछा गया है फ्रेंड्स। तो आइए समझने की कोशिश करना, आपको आउटपुट देखना है, आउटपुट अगर हम 100% दक्षता पे निकालें, आउटपुट 100% दक्षता पे निकालेंगे तो कितना आएगा, आउटपुट, आउटपुट आउटपुट में हमें दे रखा है 5 HP की मोटर लगा रखे हैं, 5 HP की, मल्टीप्लाई करेंगे वाट में कन्वर्ट करने के लिए कितना होता है, 1 HP बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 HP बराबर कितना, तो 746 वाट, 746 वाट होता है। तो हम आउटपुट निकाल रहे हैं, अगर हम 100% मानते हैं उसकी दक्षता, तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 5 HP मल्टीप्लाई 746, 746 वाट मिलेगा फ्रेंड्स, ये वाट में आ जाएगा फ्रेंड्स, हमें आउटपुट वाट में लेना है, तो 5 मल्टीप्लाई 746 करेंगे तो अपना वाट में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 1 HP बराबर मैंने बताया आपको 746 वाट के बराबर हम मानते हैं। पूछा है कि 80% दक्षता हो, जब मोटर की दक्षता कितनी हो, 80%, तो 80% में हम जानते हैं क्या जानते हैं फ्रेंड्स, प्रतिशत दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई 100 होता है, ये आपको पता है फ्रेंड्स।
अब हम क्या करेंगे, इसमें आउटपुट का मान हमें पता चल गया 5 × 746 वाट होता है, और हमें दक्षता का मान भी दे रखा है, दक्षता कितनी दे रखी है 80%। ओके फ्रेंड्स, और हमें इनपुट निकालना है। अब इनपुट में हमें कितना लोड दिया है, इनपुट में देखेंगे फ्रेंड्स, तो इनपुट को यहाँ पे ले लेंगे, इनपुट बराबर 32 दक्षता नीचे चला जाएगा, तो आउटपुट आउटपुट में कितना ले रखा है फ्रेंड्स हमें, 5 × 746, 5 × 746 वाट, 746 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में 100 है फ्रेंड्स, ये भी 100 ऊपर चला जाएगा, अपॉन दक्षता, दक्षता कितनी दे रखी है फ्रेंड्स 80%, 80% हमें दक्षता दे रखी है। अब हम इसको हल करेंगे तो अपना मान कितना आ जाएगा, इनपुट में दिया गया वाट में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि द मोटर द्वारा ली गई करंट, अब मोटर द्वारा ली गई करंट का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, मोटर द्वारा ली गई करंट, मोटर द्वारा ली गई करंट हमें फाइंड आउट करना, तो I बराबर क्या होता है, P अपॉन V। ओके फ्रेंड्स, P का मान हमें दे रखा है, इनपुट में कितना किया, 5 × 746 × 100 अपॉन 80, तो अपना ये कितना आ गया इनपुट में, टोटल पावर आ जाएगी यहाँ पे V होगा फ्रेंड्स, क्योंकि P बराबर क्या होता है, V इंटू I होता है, तो हमें ये माना जाएगा। अब हमने देखा इनपुट में कितना पावर दे रखे थे, 5 × 746 × 100, 5 × 746 × 100 अपॉन में कितना आया अपना 80, और मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज का मान, क्योंकि वोल्टेज का हमें भाग देना है इसमें, वोल्टेज का मान कितना दे रखा है 250 दे रखा है, 250 ही आ जाएगा, तो हम धारा का मान पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको जो कट रहा है उसको काट सकते हैं फ्रेंड्स, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, मान कितना बचा, 5 × 746 / 8 × 25। अब आपको पता है 25 × 8 = 200 होता है, तो 5 × 746 / 200। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको करेंगे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, आई बराबर कितना होता है, 5 × 6 = 30 का 0 ऐसे लगी 3, 5 × 20 = 3 = 23 ऐसे लगी 2, 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 37 अपॉन में कितना दे रखा है अपना 200। ओके फ्रेंड्स, 200 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 को काटेंगे, अब 373 में 20 का भाग दे देंगे, 373 में हमें भाग देना है 20 का, तो 20 एकम 20 कितना बचा, 7, 3 में से 2 गए तो 1, 3 उतरेंगे कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 8 × 2 = 16, मतलब 8 बार चला जाएगा फ्रेंड्स, कितना मान बचेगा अपना माइनस करेंगे तो 3, 7 में 6 गए तो 1, और पॉइंट लगाएंगे 0, तो 20 कितनी बार जाएगा, 60, ये 2 × 6 = 12, 6 बार चला जाएगा, 20 × 6 = 120, 120 होता है फ्रेंड्स, तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो 20 × 5 = 100, मान कितना आ गया अपना, बहने वाले धारा का मान हमने पता किया 18.5। इसमें कन्फ्यूजन मत होना फ्रेंड्स, नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें हमें आउटपुट निकालना था, आउटपुट में हमने कितना लोड इनपुट किया था, 5 HP का किया था, मल्टीप्लाई 746 वाट लिया हमने, तो आउटपुट हमने निकाला। ओके फ्रेंड्स, 1 HP बराबर 746 वाट होता है, तो हम 5 HP का दे रखा, तो 5 × 746, तो हमने कुल लोड निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कुल वाटेज में आ जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट आप इसको मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हो, और हमें इनपुट पूछा था, तो इनपुट यहाँ पे निकालना था, दक्षता में 80% दे रखी थी, आउटपुट हमने निकाल लिया था, और 100% पे हमें ये 100% हमें मानना था, यहाँ से हम इनपुट निकालें तो 5 × 746 × 100 = 80 आ गया था, तो इनपुट में मान अपना इतना आ गया, तो मोटर द्वारा ली गई करंट यहाँ पे ये आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे धारा का मान कितना आ गया, 18.65।
तो आप AMR लाइव क्लासेस आई टी आई चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने AMR लाइव क्लासेस आई टी आई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।